इसमें मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारे पास नंबर वन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स है, तो इसलिए हमने जो लाइन है वो नंबर है सिक्स, इसलिए मैंने सिक्स लगा दिया। अब इसमें काउंट करने हैं कि सिक्स को हाइड करें, देखिए कितने नंबर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसका अंदर सिक्स जीरोज लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। उसके बाद ये देखिए फाइव का भी लिखा हुआ है, इसको रहने दें, थ्री का भी किया हुआ है, अब नेक्स्ट टू का नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमने टू का करना है, तो जो नंबर है वो नंबर एज इट इज़ लिख देना है, और उसके बाद उसको हाइड करके बाकी जितने नंबर हैं वो काउंट करके अपने जीरोज़ लगाने हैं, वन टू थ्री, इसलिए थ्री ज़ीरो, वन टू और थ्री, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद वन का भी हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई है, सेवन की भी लिखी हुई है, और लास्ट नंबर है वन, तो ये हमने मान लिखा। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए बिल्कुल ज़ीरो नहीं लिखेंगे, कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, ये हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो पहला हमारे पास है नंबर थ्री है, इसलिए मैंने थ्री लिख दिया, थ्री को मैंने हाइड किया, और अब देखने कितने हमारे पास नंबर है उतने ज़ीरो लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट ज़ीरो लगाएंगे, इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब नेक्स्ट नंबर देखना है वो फाइव है, मैंने फाइव इधर लिखा और उसको हाइड किया और बाकी नंबर काउंट कर लेने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ज़ीरो इसका मतलब लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, उसमें प्लस के ही साइन होते हैं, कोई और साइन नहीं लगा सकते, ठीक है, नंबर। अब नेक्स्ट हमने लिखना है फोर, तो इधर मैंने अब फोर लिख दिया, उसको हाइड किया, अब फिर नाउ काउंट करने हैं कितने नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, इसका मतलब सिक्स ज़ीरो लगाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नेक्स्ट नंबर वन है, इसलिए वन लगाएंगे, और उसके भी हाइड किया और फिर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो इसका मतलब आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। उसके बाद हमारे पास सेवन है, इसलिए सेवन लगा दिया, इसको भी हाइड किया और फिर काउंट करने, सेवन के बाद कितने नंबर्स थे, वन टू थ्री फोर है, इसलिए फोर, वन टू थ्री फोर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास सिक्स है, फिर ये प्लस का साइन, इधर सिक्स हमने इधर लिख दिया, और इसमें भी देखने कितने नंबर्स हैं, थ्री नंबर्स हैं, तो इसमें थ्री ज़ीरो। नेक्स्ट उसके बाद है थ्री है, इसलिए थ्री लिखा और उसको भी हाइड किया, और टू नंबर्स लेफ्ट है, तो इसका मतलब टू ज़ीरो। फिर उसके बाद टू लिखा और टू को हाइड किया, इसके बाद वन नंबर लेफ्ट है, इसलिए वन ज़ीरो, और लास्ट नंबर वन था, इसलिए वन एज इट इज़, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसमें ज़ीरो नहीं आएगा।